अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कमर अब्बास। आई डिड एम फिल इन मैथमेटिक्स फ्रॉम खवारिज्म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम इंशाल्लाह एक न्यू कोर्स को कंटिन्यू करेंगे जिसका टाइटल है एडवांस ग्रुप थ्योरी 2। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने हमारा कोर्स टाइटल है एडवांस ग्रुप थ्योरी 2 और हमारा कोर्स कोड है MPH608। हमारी कोर्स आउटलाइन है सॉल्वेबल ग्रुप्स, इसके हम डेफिनेशन और एग्जांपल करेंगे, थ्योरम्स ऑन सॉल्वेबल ग्रुप्स, निलपोटेंट ग्रुप्स, कैरेक्टराइजेशन ऑफ फाइनाइट निलपोटेंट ग्रुप्स, अपर एंड लोअर सेंट्रल सीरीज, द फ्लैटनेस ऑफ ग्रुप, द फ्री ग्रुप्स, बेसिक थ्योरम्स, डेफिनेशन एग्जांपल्स ऑफ फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, लीनियर ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ लीनियर ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ग्रुप, ग्रुप अलजेब्राज एंड रिप्रेजेंटेशन मॉड्यूल। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो जी हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय डोमेट एंड फुटी की, ए कोर्स इन द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स बाय डेरिक जोहन, द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स बाय मैकडोनल्ड, क्लासिक अलजेब्रा बाय पी एम कोहन, एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा बाय डी बॉर्टन, एंड आखिरी बुक जो हमारे पास है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय एस के जैन एंड एस आर नागपाल। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना पहला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं सॉल्वेबल ग्रुप्स। इसका एक और नेम भी है सॉल्युबल ग्रुप्स। अच्छा बेटा जी, मैंने आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर की है, ये सॉल्वेबल ग्रुप्स। इसकी डेफिनेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको करना पड़ेगा। सीरीज, लेट जी बी अ ग्रुप, देन सीरीज इन अ ग्रुप इज अ फाइनल सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी इंक्लूडिंग दिस ग्रुप एंड जी, सच दैट ईच मेंबर इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इट्स सक्सेसर, दैट इज जी आई इज नॉर्मल इन जी आई प्लस वन। वन को हमने जो ट्रिवियल ग्रुप था उसको हमने जी नॉट का नाम दे दिया, जी नॉर्मल जी वन में, जी नॉर्मल जी टू में, नॉर्मल अपसोन नॉर्मल जी एन में इज इक्वल टू जी, जी एन को जी का नाम दे दिया। इफ ईच जी आई इज नॉर्मल इन जी, अगर हर जी आई जो है वो जी में नॉर्मल हो, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज, एंड इफ एटलीस्ट वन ऑफ जी आई इज नॉट नॉर्मल इन जी, और अगर में से कम एक ऐसा जी आई मौजूद हो जो जी में नॉर्मल ना हो, तो फिर देन दिस सीरीज इज कॉल्ड अ सब नॉर्मल सीरीज। तो बेटा जी, डेफिनेशन को हमने रीड आउट कर लिया है, इसको मैं अब अपने अल्फाज में यहाँ पे एक वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और उसमें इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा जी, डेफिनेशन हमने की है वो हमने डेफिनेशन की है नॉर्मल सीरीज की और सब नॉर्मल सीरीज की। मैं लिख रहा हूं, नॉर्मल सीरीज, ये मेरा डेफिनेशन आप लोग प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। नॉर्मल सीरीज की जो डेफिनेशन है वो जस्ट ये है कि अगर आपके पास ये जो ग्रुप है, इसको नाम दे दिया, ये सिंगल रन, ये जो वन है इसका मतलब है कि वो वाला ग्रुप जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ऐसा ग्रुप जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पर मुश्तमिल है उसको कहते हैं ट्रिवियल ग्रुप या सिंगल रन वन वाला ग्रुप। ये नॉर्मल हो जी वन में, ये नॉर्मल हो जी टू में, अब तो सोन ओके। तो बेटा अगर हर जी आई जो है, ठीक है, जी नॉट जी वन जी टू अप टू सोन जी एन, जी सारे के सारे जी में नॉर्मल हूँ, फिर हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है ना हमारे पास, ये नॉर्मल सीरीज है। और अगर इनमें से एक भी ऐसा जी आई मौजूद हो जो जी में नॉर्मल ना हो, फिर हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये सब नॉर्मल सीरीज है। क्योंकि सपोज ये जो है जी वन जी में नॉर्मल नहीं है, फिर ये सीरीज क्या हो गई, सब नॉर्मल। सपोज जी टू नहीं है, सीरीज क्या हो गई, सब नॉर्मल।
तो कम से कम एक जीआई जो है वो जी में नॉर्मल ना हो, और फिर ये सीरीज क्या होगी, सब नॉर्मल होगी। अगर सारे जीआई जो है वो जी में नॉर्मल हैं, फिर ये सीरीज क्या होगी, नॉर्मल सीरीज होगी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, ईच ग्रुप जी हैज अ नॉर्मल सीरीज, वन नॉर्मल जी के, हियर वन डिनोटेड आइडेंटिटी सब ग्रुप। अब उसने जो फर्स्ट एग्जांपल दी है बेटा, उसने ये कहा है कि हर ग्रुप जो है वो नॉर्मल सीरीज रखता है। इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई सब ग्रुप ऐसा लाजमी मौजूद होता है जो उस ग्रुप में नॉर्मल होता है। तो ये देख ले, जो ट्रिवियल ग्रुप है, आइडेंटिटी वाला ग्रुप है, ये हमेशा जी में नॉर्मल होता है। तो वन नॉर्मल है जी में, तो ये जो है सीरीज, ये कौन सी वाली सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ जी इज अ ग्रुप एंड एन इज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप, देन वी गेट अ नॉर्मल सीरीज, वन नॉर्मल एन एन नॉर्मल जी। अगर एन कोई नॉर्मल है ग्रुप, सब ग्रुप है जी का, और जी कोई ग्रुप है, तो फिर हमारे पास जो नॉर्मल सीरीज होगी वो जे होगी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ जी इज अ ग्रुप एंड एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन बट के इज नॉट नॉर्मल इन जी। यहाँ पे वो जी बात कर रहा है कि जी एक ग्रुप है, एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एन का, जबकि के जो है वो जी में नॉर्मल नहीं है। इसको जहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि जी एक ग्रुप है, ठीक है, एन जो है वो नॉर्मल है जी में, ठीक है, के जो है वो नॉर्मल है एन में, ठीक है, लेकिन के जो है वो नॉट नॉर्मल इन जी, के नॉर्मल नहीं है जी में, ओके। तो फिर ये जो सीरीज बनेगी ना, वन नॉर्मल है के में, के नॉर्मल है एन में, एन नॉर्मल है जी में, ये जो सीरीज बनेगी ना आपके पास, ये वाली, इस सीरीज को हम कहेंगे कि ये नॉर्मल सीरीज। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है, ये वही बार मैंने जो मैंने आगे व्हाइट बोर्ड में बता दी ना कि इन जी वी गेट अ सब नॉर्मल सीरीज, वन नॉर्मल के नॉर्मल एन एन नॉर्मल जी, जो मैंने वहां पे लिख दी वही बात है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है कि अगर हम यहाँ पर जी ले ले सेट ऑफ इंटीजर, जी इज अ ग्रुप, जी जहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप होता है, एंड इज एन जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये ग्रुप थ्योरी का बेसिक रिजल्ट है, वहां पे कि एग्जाम्पल्स में हम देख चुके हैं कि एन जी हमेशा जी में नॉर्मल होता है। बल्कि हम तो ये देख चुके हैं कि जी जो कि अबिलियन है, इसका हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल। तो ये क्या है, इसका सब ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, नॉर्मल। ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड जहाँ पे आप जो मर्जी इंटीजर पुट कर लें, तो वी गेट आ नॉर्मल सीरीज। उसकी एक उसने पार्टिकुलर एग्जांपल ले ली है, वन नॉर्मल 8g, 8g नॉर्मल 4g, 4g नॉर्मल 2g, 2g नॉर्मल जी में। तो ये जो है सीरीज, ये कौन सी वाली सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है। जहाँ पे आप इसका ये दो दरमियान से स्किप करके इतना भी लिख सकती हो, दो तीन ऐड भी कर सकते हो, जहाँ पे 16g नॉर्मल 8g वो भी ऐड कर सकती हो, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पॉलिनोमियल ग्रुप आर ऑफ एक्स विद कोएफिशिएंट्स एज रियल नंबर, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पॉलिनोमियल रिंग। ये आप लोग पढ़ चुके हो, कहाँ पे पढ़ चुके हो, अलजेब्रा 2 में पढ़ चुके हो जी आप लोग, ठीक है, हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप, इसका जी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, विच हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप, इसका जी नॉर्मल सब ग्रुप है, तब वी गेट अ नॉर्मल सीरीज। फिर हम ये नॉर्मल सीरीज गेट कर लेंगे, वन नॉर्मल एक्स क्यूब आर ऑफ एक्स, ये नॉर्मल एक्स के आर ऑफ एक्स, ये नॉर्मल एक्स आर ऑफ एक्स, और ये नॉर्मल है आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है, जिनके ये भी इसमें नॉर्मल है, ये भी इसमें नॉर्मल है, ये भी इसमें नॉर्मल है, तो ये सीरीज क्या हो गई, नॉर्मल सीरीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डाइहेड्रल ग्रुप डी फोर ऑफ ऑर्डर 8, ये भी ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो
हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप सी फोर, ये डी फोर आपके पास ये ग्रुप होता है, ठीक है, तो दैट वी गेट अ नॉर्मल सीरीज। आपको पता है कि सी फोर जो है वो डी फोर में नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स टू है, वन नॉर्मल है सी फोर, सी फोर नॉर्मल है डी फोर में, ठीक है, ये सीरीज भी हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल सीरीज भी होगी। अब इसके अंदर सब नॉर्मल सीरीज भी मौजूद होती है, मौजूद है, वो कौन सी वाली है, वो जहां पे आपको मैं बता देता हूँ, यहां पे मैं बता देता हूँ, अगर आप ये कर लेना वन नॉर्मल है सी टू में, सी टू नॉर्मल है सी फोर में, सी फोर नॉर्मल है डी फोर में, तो ये जो सीरीज है, ये कौन सी वाली सीरीज है, ये जो सीरीज मैंने यहां पर लिखी है ये सब नॉर्मल सीरीज है, जबकि ये सीरीज जो है ये नॉर्मल सीरीज है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्रुप में नॉर्मल सीरीज भी हो, सब नॉर्मल सीरीज भी मौजूद हो, ठीक है। ये याद रखिएगा कि एक ग्रुप में ये उस सीरीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो सीरीज लिखी है वो नॉर्मल है या सब नॉर्मल है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये ग्रुप है इसके अंदर नॉर्मल सीरीज नहीं होगी, बल्कि आप जो सीरीज लिखी होती है वो सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीरीज कौन सी है, आप सीरीज को देख के बताते हो कि ये नॉर्मल सीरीज है या कि सब नॉर्मल सीरीज है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है जनरल लीनियर ग्रुप एंड ऑर्थोगोनल ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड एंट्रीज फ्रॉम अ फील्ड हैव बोथ अ नॉर्मल सीरीज, वन नॉर्मल एस एल एन टू इंटू एन एफ नॉर्मल जी एल इंटू एन एफ, वन नॉर्मल एस ओ इंटू एन एफ ये नॉर्मल ओ इंटू एन एफ, ठीक है। इन ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता है, अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है कंसीडर द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज एस फोर इट्स नॉर्मल सब ग्रुप, ये देख लीजिए एस फोर ग्रुप है, इट्स नॉर्मल सब ग्रुप ए फोर, ए फोर का नॉर्मल सब ग्रुप वी फोर, एंड वी गेट अ सीरीज वन नॉर्मल सी टू, सी टू नॉर्मल वी फोर, वी फोर नॉर्मल ए फोर, ए फोर नॉर्मल एस फोर, दिस सीरीज इज सब नॉर्मल एज सी टू इज नॉट नॉर्मल इन ए फोर। अच्छा बेटा, अब ये आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स नॉर्मल सीरीज की भी कर ली, सब नॉर्मल सीरीज की भी कर ली, हर नॉर्मल सीरीज सब नॉर्मल सीरीज वो सीरीज तो है ही। अब एक और बार में बताने लगा हूँ कि जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है ना वो ग्रुप के केस में होल्ड करती है, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप के केस में होल्ड नहीं करती, यानी कि सब ग्रुप के केस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है जबकि नॉर्मल सब ग्रुप के केस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना था वो हमने कर लिया है, आज इंशाल्लाह हम इतना ही काम करेंगे, इसमें से अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बेटा किसी बात को आप लोगों ने रटा नहीं लगाना, हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।